जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समर स्पेशल हेल्दी और टेस्टी शरबत की रेसिपी। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और सिर्फ 2 मिनट में आप बहुत ही बढ़िया शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक बार जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार आप इसे ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शरबत के लिए प्री मिक्स बनाकर तैयार कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर मिक्सी का एक जार लिया है। इसमें हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। आप शरबत की मिठास कितनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि हमने 1 कप चीनी ली है तो आप 1.25 कप जितनी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने इसमें 1/2 कप जितना वेनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 4 हरी इलायची ऐड कर देंगे। तो इलायची को बगैर छीले ऐसे ही ऐड कर दें। तो हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि 2 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून पिस्ता और 10 से 12 बादाम। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है और अब हमें इसे पीस लेना है और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। तो चीनी, कस्टर्ड पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और इलायची ऐड करके हमने इसे अच्छे से पीस लिया। लेकिन जब भी दूध का शरबत बनाते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स की जो बाइट आती है ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो इसलिए हम इसमें ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम को हमने इस तरह से काट कर ऐड कर दिया है। और इसी के साथ हमने इसमें 2 चुटकी केसर भी ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारे शरबत का प्रीमिक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में रख के 2 से 3 महीने तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। और इस प्रीमिक्स का इस्तेमाल करके शरबत कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो जितने ग्लास आप शरबत बनाना चाहते हैं उतनी चम्मच आप एक कटोरी में ऐड कर दें। तो हम यहाँ पर 3 ग्लास शरबत बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 3 चम्मच जितना प्रीमिक्स लिया है। यहाँ पर हमें चम्मच को पूरा ऊपर तक भर कर लेना है। और अब हमें इसमें तकरीबन 1/2 कप जितना पानी ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। 3 ग्लास शरबत बनाने के लिए इतना दूध काफ़ी है। अब दूध में हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। और अब हमने प्रीमिक्स और पानी का जो घोल बनाकर रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करने से पहले हम इसे एक बार मिला लेंगे। तो अब हमें इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो देखा आपने कितनी आसान इस शरबत की रेसिपी है। बस एक बार आप इसका प्रीमिक्स बनाकर रख लें, फिर आप इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी शरबत बनाने को दिल चाहे आप प्रीमिक्स को दूध में ऐड करें और बस 2 से 3 मिनट तक इसे पका लें। तो इस तरह हमने इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाया है और अब हमारा शरबत बन चुका है। इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो आप ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फ्रीज में रख देंगे। तो शरबत सर्व करने के लिए हमें ग्लास में सबसे पहले आइस क्यूब ऐड कर देने हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्जी के बीज, जिसे तुकमलंगा भी कहा जाता है। तो हमने थोड़े से सब्जी के बीज लिए और इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। तो सर्व करने से पहले हम इसे थोड़ा सा भिगो देंगे ताकि ये फूल जाए। फिर हमने जो शरबत बनाकर रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया हमारा शरबत बनकर तैयार हुआ है। आपको हमारे इस बढ़िया से हेल्दी और टेस्टी शरबत की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।